क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना धर्म कौन सा है? क्या हिंदू यानी सनातन धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, या फिर इस्लाम दुनिया के सबसे पुरानी मज़हब है, या फिर ईसाई जिसकी तादाद पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, क्या वो सही धर्म है और सबसे पुराना धर्म है? और क्या वाकई इंसान बंदर से बना है? और अगर इंसान बंदर से बना है तो फिर आज के बंदर इंसान क्यों नहीं बनते हैं? इन सारों सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं अफजाल दिलकश और आप देख रहे हैं अफजाल दिलकश का यूट्यूब चैनल। सबसे पहले इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि धरती पर जीवन की शुरुआत कब और कैसे हुई। साइंस के अनुसार धरती पर जीवन की शुरुआत समुद्र के अंदर होती है, और वो समुद्री जीव धीरे धीरे अपने आप को बदलते बदलते कीड़े मकोड़े का शक्ल लेता है। उसके बाद वो समुद्री जीव ज़मीन पर आकर रेंगना शुरू कर देता है। फिर वो जीव वक्त के बदलते बदलते अपने आप को बदलता रहता है। उसमें से कई जीव निकलते हैं, जिनमें से एक नस्ल बंदर का भी होता है, और वो बंदर धीरे धीरे अकलमंद होते होते इंसानी शक्ल इख्तियार कर लेता है, और फिर इस तरह इंसान का वजूद सामने आता है। वहीं आप धार्मिक किताब के हिसाब से देखें तो ईसाई में दुनिया का सबसे पहला इंसान, उसे नाम दिया गया है एडम। वहीं आप हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में दुनिया का सबसे पहला इंसान मनु को कहा गया है। और वहीं आप इस्लाम धर्म की बात करें तो इस्लाम में सबसे पहला इंसान जिसका नाम आदम अलैहिस्सलाम है। और दुनिया में जितने भी इंसान हुए वो सभी आदम की औलाद से हैं। यही वजह है कि इंसानों को आदमी कहा जाता है। वही मनुष्य में मनुष्य इस वजह से कहा जाता है कि हिंदी में उसी आदम का नाम मनु था, और मनु की जितनी औलाद हुई उन सबको मनुष्य कहा जाता है। इस तरह साइंस का ये दावा जिसमें वो ये कहता है कि इंसान बंदर से बना है, वो बिल्कुल गलत है। साइंस सिर्फ अपने विचारों को सामने रखता है, वो अपने रिसर्च को सामने रखकर किसी बात के ऊपर दावा कर सकता है, लेकिन वो उस हकीकत को नहीं बयान कर सकता जिसके बारे वो नहीं जानता है। तो इस तरह हम इंसान आदम की औलाद हैं, और हम सब अपने आप को आदमी कहते हैं। अगर कोई शख्स अपने आप को कहे कि मैं बंदर से बना हूँ, इंसान बंदर से बना है, तो उसको आज के बाद से आदमी नहीं बल्कि जानवर कहना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो आदमी से नहीं, आदम से नहीं बल्कि बंदर से बना हुआ है। तो एक बात क्लियर हो गया कि हम इंसान आदम की औलाद हैं, मनुष्य मनु की औलाद हैं। इसी वजह से हम आदम की औलाद होने की वजह से हम आदमी और मनुष्य कहलाए। जैसा कि सूरह ज़ुमर आयत नंबर 5 में इरशाद है कि वही अल्लाह है जिसने ज़मीन व आसमान को बड़े ही दानाई और बहुत ही हिकमत के साथ बनाया है। वही है जिसने ज़मीन व आसमान को अपने कंट्रोल में ले रखा है, जो अपने वक्त पर निकलता है और अपने वक्त पर डूबता है। वही है जिसने इंसान को मिट्टी के ज़रिए बनाया और उस इंसान से उसका एक जोड़ा बनाया, यानी एक मर्द और एक औरत, और उस इंसान के ज़रिए इंसानी आबादी शुरू हो गई। अब दुनिया में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो चुकी है। अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत आदम को ख़ास जन्नत के लिए बनाया था, जिसमें वो आराम और सुकून से रहते थे। वो जन्नत इस दुनिया से लाख गुना ज़्यादा बड़ी थी, और उसमें हर चीज़ मुहैया कराया गया था, हर चीज़ वहाँ मौजूद था। खाने की पीने की चीज़ें मौजूद थी, पीने की चीज़ें मौजूद थी, रहने का हर साजो सामान मौजूद था वहाँ, हीरे जवाहरात हर चीज़ मौजूद थे। फिर भी उस आदम को उस जन्नत में मन नहीं लग रहा था, वहाँ उसका ध्यान कहीं और जा रहा था। उसने अल्लाह से दरख्वास्त किया कि हमारा ध्यान जन्नत में नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा। तब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व ताला ने उन्हीं के पसली से एक इंसान, एक औरत को पैदा किया, जो उसकी बीवी बनी, जिसका नाम हव्वा अलैहिस्सलाम है। वो दोनों जन्नत में रहने लगे।
घूमने फिरने लगे और जन्नत में ऐशो आराम करने लगे। उसके बाद काफ़ी दिन गुजर जाने के बाद उन दोनों ने एक गलती की, और वो ऐसी गलती थी जिसके वजह से अल्लाह ताला ने उनको जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर भेज दिया और वो ज़मीन पर आकर आबाद हो गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारने लगे। उनकी ज़िंदगी यूँ ही गुज़रती रही। काफ़ी साल गुज़र जाने के बाद उनके कई औलाद हुए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अभी तक खुदा के बरगुज़ीदा बंदे थे, खुदा को मानने वाले बंदे थे। वो हमेशा खुदा की इबादत में लगे रहते थे, अपने औलाद को भी समझाते थे और ख़ुद भी अल्लाह की इबादत करते थे। जब उनका आखिरी वक्त आया तो उनके पास 5 ख़ास बेटा, जो उनके पास अभी वो मौजूद था, उन्होंने उनको बुलाकर उनसे कुछ नसीहतें की। और वो वक्त आ गया जब आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। अब सवाल पैदा ये होता है कि आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह को मानने वाले थे, वो मुसलमान थे, इस्लाम को मानने वाले थे, तो फिर दुनिया में हिंदू धर्म का वजूद कैसे हुआ? दुनिया में हिंदू, ईसाई, क्रिश्चन, यहूदी, नसरानी, इन सब धर्मों का वजूद कैसे हुआ? तो चलिए इसे भी जानने की कोशिश करते हैं। तो काफ़ी वक्त तक आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद इस दुनिया पर बसी रही और एक खुदा को मानती रही, उसके सिवा किसी की परस्तिश नहीं करती। काफ़ी वक्त गुजर जाने के बाद आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में एक नेक और खुदा को मानने वाला बहुत से बुज़ुर्ग भी हुए। और उन सब के गुज़र जाने के बाद जब उनमें से एक का नाम था वद, वो बहुत अल्लाह का बरगुज़ीदा बनता था, खूब अल्लाह की इबादत किया करता था। जब वो मर चुका और आदम अलैहिस्सलाम भी काफ़ी पहले गुज़र चुके थे, तो लोग उस बुज़ुर्ग के मर जाने के बाद, उस अल्लाह वाले के मर जाने के बाद बहुत गमज़दा हुए, बहुत गम में मुब्तला हुए और वहाँ पर बैठ कर वो रोना धोना शुरू कर दिया। अब अल्लाह ताला ने इंसान के साथ साथ शैतान को भी पैदा किया था, जो इंसान के साथ वो भी जन्नत से दुनिया में आया था। अब शैतान को एक मौका मिला कि इन सब को किस तरह भटकाया जाए। उसने मौका को तलाश किया और वो शैतान इंसानी शक्ल में, एक बुज़ुर्ग के शक्ल में, अल्लाह वालों के शक्ल में उन लोगों के पास आता है और कहता है कि तुम्हारा फलाना बुज़ुर्ग मर चुका है, तुम्हें उसकी याद नहीं आती है? लोगों ने कहा, याद तो आती है। तो शैतान ने कहा कि तुम उसको याद किया करो, तुम उसको याद करोगे तो तुम्हें अल्लाह की याद आएगी और तुम अल्लाह की इबादत करते रहोगे। तो वो वद जिसका इंतकाल हो चुका था, तो शैतान ने कहा कि ऐसा करो कि तुम उसकी एक तस्वीर, एक पिक्चर बना लो, और उस पिक्चर को बनाने के बाद शहर के सबसे मोतबर जगह पर, सबसे ऊँचे जगह पर, जहाँ पर सबका आना जाना हो, उस जगह पर उसको रख देना और हर दिन उसे देखना शुरू करना। और उसे देखने के बाद तुम्हें खुदा की याद ताज़ा हो जाएगी और तुम ईश्वर और खुदा को पूजने लगोगे और उसको मानने लगोगे। लोगों ने ऐसा ही किया। शहर के ऊंचे जगह पर उस तस्वीर को रख दी गई और लोग सुबह उठते थे, उस तस्वीर को देखते थे और अल्लाह की याद ताज़ा हो जाती थी और वो सब अल्लाह को याद करते थे, नमाज रोज़ा वो सभी करते थे। वक्त गुज़रता गया और ये लोग जिनका दौर चल रहा था, इन सब का इंतकाल हो गया और फिर दूसरी नस्ल वजूद में आई। इन सब के बेटे, पोते पर पोते वजूद में आए। अब इन लोगों ने देखा कि हमारे अब्बा दादा इस तस्वीर की बड़ी इज्जत किया करते थे, सो उन लोगों ने उस तस्वीर के सामने जब जाया करते थे तो अपने वालिद के अदब की वजह से ये लोग और ज़्यादा अदब करने लगे और उनके सामने अपना सर झुकाना शुरू कर दिया। रफ्ता रफ्ता वक्त गुजरता गया, लोग उसके सामने सर झुकाते, उससे मिन्नतें मांगना शुरू कर दिए। काफ़ी वक्त गुजरने के बाद इन लोगों का भी दौर ख़त्म हुआ। अब इनके लड़कों का दौर आया। अब इन लोगों ने देखा कि हमारे वालिद इसकी बड़ी इज्जत किया करते थे और इसके सामने सर झुकाया करते थे, हाथ जोड़ा करते थे। अब इन लोगों ने कहा कि, और शैतान फिर एक इंसानी शक्ल में आता है, और उस वक्त बारिश की कमी हो चुकी थी। लोगों को उसने कहा कि ये जो है, ये फ़ोटो जिसको तुम देख रहे हो, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा शक्ति है, और तुम्हारे बाप दादा इसी से मन्नतें मांगा करते थे जिससे बारिश हुआ करती थी। तुम लोग इससे मन्नतें मांगो और इससे मुरादें मांगो, ये तुम्हें बारिश बरसाएंगे
और गल्ले और अनाज उगेंगे। उन लोगों ने ऐसा ही किया, उसके सामने मिन्नती मांगना शुरू कर दी, उसके सामने चढ़ावा और मिठाई चढ़ाना शुरू कर दिया और इस तरह धीरे धीरे उन लोगों ने उनको अपना खुदा मान लिया। अब वक्त बहुत ज़्यादा गुजर चुका था, 500-600 साल का अरसा गुजर चुका था, जब तक कि वो तस्वीर बहुत पुरानी हो चुकी थी और फटने के गगार पर आ चुकी थी। फिर शैतान इंसानी शक्ल में आता है, अल्लाह वाले की शक्ल में आता और कहता है कि तुम्हारी ये तस्वीर फट चुकी है, तुम इस तस्वीर अगर ये तस्वीर फट जाएगी तो तुम लोग कैसे इसको याद करोगे। तो उन लोगों ने कहा कि आप ही कोई तरीका बता दीजिए। शैतान ने कहा कि ऐसा ही करो कि ये तस्वीर कभी ना फटे, इसको ऐसे शक्ल में ढांचो कि हमेशा बाकी रहे। तो शैतान ने बताया कि इसको मिट्टी के जिस्म में इसको ढाल दो, मिट्टी का एक सूरत दे दो। उन लोगों ने ऐसा ही किया, उसको मिट्टी के शक्ल में बनाया गया और मिट्टी के शक्ल में बनाकर उसको फिर से शहर के सबसे ऊंचे जगह पर रख दिया गया। अब यहाँ से हिंदू धर्म की शुरुआत होती है। लोग पूरी तरीका से उसको मानने लग चुके थे, उसको पूरा खुदा मान चुके थे, उसके सामने चढ़ावा चढ़ाने लगे, उसके सामने मिठाइयाँ चढ़ाने लगे, उससे मिन्नतें मांगने लगे और उनको अपना खुदा मान लिया। काफ़ी वक्त गुजर जाने के बाद अल्लाह ने देखा कि ये लोग दीन से भटक चुके हैं, एक खुदा को भूल चुके हैं। अल्लाह ने चाहा कि इन लोगों को फिर से सही दीन पर लाया जाए, इन लोगों को हिदायत के रास्ते पर लाया जाए। अल्लाह ने एक नबी को भेजा जिसका नाम था नूह अलैहिस्सलाम। वो लोगों को समझाने के लिए रसूल थे, रसूल इसलिए भेजा करते थे कि अल्लाह ताला लोगों को ये बात पहुँचाए कि जो काम तुम लोग कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है। नूह अलैहिस्सलाम आए, लोगों को समझाया कि ये पत्थर जिसको तुमने अपने हाथों से बनाया है, ये मिट्टी जिसको तुमने अपने हाथों से आदमी का शक्ल दे दिया है, वो तुम्हारा खुदा कैसे हो सकता है, वो तुम्हें कैसे फ़ायदा और नुकसान पहुंचा सकता है। खुदा तो वो है जो सूरज को बनाता है, खुदा तो वो है जिसने ज़मीन को बनाया है, जिसने आसमान को बनाया है, जिसने सूरज चाँद सितारे सब चीज़ों को बनाया है, जिसको तुमने बनाया है वो तुम्हारा खुदा कैसे हो सकता है। कौम ने कहा कि तो हम अपने बाप दादा के ज़माने से देख रहे हैं कि हमारे बाप दादा इसी से मांगा करते थे, इसी से मन्नतें मांगा करते थे, अब हम लोग भी इसी से मांगते हैं, इसलिए हमारा खुदा भी यही है। चुनांचे उन लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के हुक्म को ठुकरा दिया और वो लोग नूह अलैहिस्सलाम की बात ना माने। नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक लोगों को तबलीग करते रहे, लोगों को समझाते रहे, लोगों को सही दीन पर लाते रहे, लेकिन वो लोग दीन पर आने के बावजूद खुद नूह अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ हो गए और उनके ख़िलाफ़ साजिशें करना शुरू कर दिए। और वो ये कहते थे कि तुम खुदा के नबी हो, तुम तो हमारे ही तरह एक इंसान हो, तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है, इसलिए हम तुमको अपना नबी नहीं मानते हैं। और इस तरह नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों को समझाया। उनमें से सिर्फ 900 साल के अरसे में सिर्फ 84 या 85 लोग ईमान ले आए और सारे लोग जो 85-84 लोग थे, ये लोग समझ चुके थे कि ये वाकई बुत जिसको हम पूजते हैं, जिसको हमने अपने हाथों से बनाया है, ये हमारा माबूद नहीं हो सकता है। हमारा माबूद जिसको हमने खुद बनाया है वो हमारा माबूद कैसे हो सकता है, अगर इसके ऊपर कोई मक्खी बैठ जाए तो वो मक्खी नहीं हटा सकता, अपने जिस्म का एक कीड़ा नहीं भगा सकता, तो वो हमारा खुदा कैसे हो सकता है, वो ना तो हमारी बात सुन सकता है और ना खुद अपनी बात मुझे सुना सकता है, तो वो हमारा खुदा कैसे हो सकता है। इस तरह लोगों ने समझ लिया कि वाकई ये मूर्ति और ये बुत हमारे खुदा नहीं है। और वो वक्त आया जब नूह अलैहिस्सलाम इन सब को मुसलमान बनाए और ये सब इस्लाम धर्म को कबूल कर चुके। अब आइए जानते हैं कि ईसाई धर्म की शुरुआत कैसे हुई। नूह अलैहिस्सलाम ने जिन 84 लोगों को मुसलमान बनाया था, उन सब को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से एक कश्ती पर सवार हो गए और वो सब कश्ती पर चढ़ गए। अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा अज़ाब आने वाला था। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कहा कि आप अपने लोगों को, जो लोग ईमान ला चुके हैं, उन सब को लेकर कश्ती पर सवार हो जाइए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उस नाव पर उन सब लोगों को लेकर सवार हो जाते हैं और अल्लाह का अज़ाब आता है और जितने भी लोग उन पत्थर और मूर्तियों की इबादत करते थे
उन सब को अल्लाह तबारक व ताला एक बहुत बड़े सैलाब के ज़रिया, एक बहुत बड़े तूफ़ान के ज़रिया उन सब लोगों को तबाह कर देते हैं। अब पूरी दुनिया में सिर्फ ये 84 लोग बच चुके हैं। वक्त गुज़रता रहा, ये लोग ज़िंदगी में बड़े सुख और आराम के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे। उन 84 लोगों में से एक शख्स फिर से दिन से भटक चुका, और उसने जो पुराने ज़माने का एक वध नाम का जो मूर्ति था उसको फिर से बना दिया, और वध ही का 4 बेटा था, सवा, यगूस, यऊक, नसर, इनकी भी मूर्तियाँ बनाई। और इनकी मूर्तियाँ बनाने के बाद अलग अलग कबीलों और अलग अलग गांव और इलाकों में फैला दिया, और इन सबको बताया कि यही तुम्हारा असली माबूद है, यही है जो पानी बरसाता है, यही है जो हवा चलाता है, और इन सबको इस तरह कह के इन सबको वरगला दिया। फिर से सब लोग नूह अलैहिस्सलाम के बाद बुत परस्ती पर शुरू हो गए। फिर अल्लाह ताला ने देखा, और जब तक के 500-600 साल का फिर से अरसा गुज़र चुका था, ये सिर्फ एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि जो लोग मुसलमान हुए वो कई सौ सालों तक मुसलमान रहे, और कई सौ सालों के बाद फिर से ये लोग बुत परस्ती पर शुरू हो गए। फिर अल्लाह ताला ने चाहा कि इन लोगों को दीन पर लाए, तो अल्लाह तबारक व ताला ने फिर एक और नबी को भेजा जिसका नाम था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए और लोगों को समझाया। उनका वाक़िया हम किसी और वीडियो में बनाएंगे। उन्हीं के नस्ल से एक और नबी आए जिसका नाम था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए तो उस वक्त भी लोग मूर्ति और पत्थर और खुदाओं को अपना माबूद मानते थे, अपना खुदा मानते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए, लोगों को समझाया कि इन पत्थर और मूर्तियों की चीज़ों में कोई भी ताकत नहीं है, ना तो ये कोई फ़ायदा पहुंचा सकता है, ना नुकसान पहुंचा सकता है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद बहुत से लोगों ने माना। इसी तरह अल्लाह ताला ने उनको ख़ास ताकत भी अता किया था जिसे मोजज़ा कहता है, जैसे मुर्दों का ज़िंदा कर देना। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को ज़िंदा कर दिया करते थे, कोढ़ को ठीक कर दिया करते थे, और इसी तरह कई और निशानियां थी, जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बिना बाप के पैदा किया था। ये कई निशानियां थी जिसके बाद लोग उनके इन निशानियों को देखकर फिर से मुसलमान हो गए, और फिर से अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना शुरू कर दी। फिर वक्त गुज़रता रहा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया से उठा लिए गए। उनको उठा लेने के बाद उन लोगों के अंदर फिर शैतान एक नया वसवसा डालता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कोई बाप नहीं है, उनका बाप अल्लाह है, और इसलिए ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हुए और उनकी बीवी मरियम अलैहिस्सलाम हुए। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं और मरियम उनकी बीवी है। इस तरह शैतान ने फिर से लोगों को भटकाया, और ईसाई इस चीज़ को मानकर ईसा अलैहिस्सलाम की परस्तिश शुरू कर दी, और उनकी इबादत और उनकी पूजा परस्तिश शुरू कर दी, और उन्हीं को खुदा मानना शुरू कर दिया, उन्हीं से मिन्नतें मांगना शुरू कर दी। तो यहाँ से ईसाई धर्म का वजूद आता है। फिर आखिर वोके में उससे पहले कई नबी और आए थे, जैसे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जितने भी मानने वाले लोग थे उन सबको यहूदी कहा जाता है, जो आज के दौर में इसराइल फ़लस्तीन के इलाके में रहते हैं, और ईसाई जो अमेरिका और इस इलाके में पश्चिमी इलाके में बसे हुए हैं, और हिंदू धर्म जो लोग बच चुके वो हिंदू ही रह चुके, और जो लोग मुसलमान हो चुके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़रिया वो ईसाई कहलाए। और फिर एक दौर आता है जब ये सब के जो पादरी शख्स थे, जो अपने आप को दीन का पेशवा मानते थे, अपने आप को धर्म गुरु मानते थे, उन लोगों ने ही अपने फ़ायदे के लिए, अपने ज़ाती मफाद के लिए दीन में छेड़छाड़ शुरू कर दिया, और उसने दीन में एक नया सिस्टम अपने हिसाब से शुरू कर दिया, और जो अल्लाह की तरफ से किताब नाजिल की गई उनमें छेड़छाड़ शुरू कर दिया। वक्त गुजरता रहा और उन लोगों ने अपनी मनमानी के साथ किताब में छेड़छाड़ शुरू कर दी, और अल्लाह की तरफ से जितने भी हुक्म थे उसको अपने हिसाब से मानना शुरू कर दिया, और जो भी दीन खुदा की तरफ से आया था सबको बर्बाद कर दिया।
खुदा की तरफ से। फिर एक नबी आया और वो आखिरी नबी था जो सारे नबियों का सरदार था। अब तक जो भी नबी आए किसी कबीला के लिए आए, किसी ख़ास गांव और शहर के लिए आए, लेकिन जो आखिरी नबी आने वाला था वो ना तो किसी गांव के लिए, ना तो किसी शहर के लिए, बल्कि वो पूरी दुनिया का नबी होने वाला था। और वो थे जनाब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब वो दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उस ज़माने में भी हर तरह से बुराई आम थी। लोग अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, लोग उनको इसी तरह कत्ल कर दिया करते थे, छोटी छोटी बात पर तलवारें निकाल लिया करते थे, आपस में जंग छेड़ देते थे, और एक लड़ाई, एक चिंगारी हज़ारों साल तक चलती रहती थी। बुराई इस तरह आम हो चुकी थी कि लोग अपने पराए किसी का ख्याल नहीं करते थे, हर वक्त जंग होती रहती थी, हर वक्त लोग खुदा को छोड़कर गैरुल्लाह की इबादत करते थे, अपने हाथों से बनाए हुए मूर्तियों और पत्थरों की इबादत करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी नबी को भेजा और उन्होंने लोगों को समझाया, और इस तरह फिर से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिया लोग इस्लाम लाते गए, लोग जुड़ते गए, और पूरी दुनिया में धीरे धीरे इस्लाम फैल गया। इससे यह साबित हुआ कि दुनिया का सबसे पुराना धर्म इस्लाम है, और इस्लाम सबसे पुराना धर्म है, और दुनिया का जो सबसे पहला आदमी है वो आदम अलैहिस्सलाम है। और हम सब अपने आप को आदमी इसलिए कहते हैं कि हम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। अगर कोई शख्स कहे कि इंसान बंदर से है तो उसको आज के बाद आदमी नहीं बल्कि बंदर की औलाद कहिए या फिर जानवर कहिए।